गौरव गौरव सबके साथ हैं। उर्फा जावड़ा ए नंगी दोस्तों वो वाला फुटेज मिल नहीं रहा जो एकदम यहाँ पे नहीं डलता कि वो जो जिसमें गौरव कपूर ब्लॉग्स लिखाता है और पीछे आवाज आती है टिंग टिंग टी डिंग, तो ये वही है। अब शुरू करते हैं। श्रेया की लसरी है कितना कैजुअली बनाते। हाय गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। वी आर स्टार्टिंग टू मेक दिस व्लॉग एट 1:15 AM एट नाइट। डिस्कस कर रहे थे करना क्या चाहिए हमें जिंदगी में, पर श्रेया अचानक से डिस्कशन के बीच में से गायब हो गई। 10 मिनट थी नहीं, मैं फोन पे लगा पड़ा था और मैं यहाँ के देख रहा हूँ तो रात को 1:15 बजे आम फिर से कुछ काटा जा रहा है और ब्रेड में बटर लगाया हुआ है। अब इसको इसमें डालेंगे। किसको इसमें डालेंगे? कुकरी शो, लेट नाइट कुकरी शो। भूत को आप 1:15 बजे आम मैंने ब्रश भी कर लिया है, फिर भी भूख लग रही है मुझे, मैं क्या करूँ। आप ज्यादा वो मत चिपकाओ कि आप ब्रश करते हो रात को, बट स्टिल मैं वो नहीं चिपका रही। ये क्या खा रहे हो आप ब्रेड बटर के ऊपर आम लगा के? लिसन यू जस्ट हैव अ बाइट एंड देन यू टॉक टू मी। ओके शेयर मैं डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, नहीं कि हमें थोड़ा ऐसे मीनिंगफुल वाला घूमना चाहिए। पहले हम कितना ट्रैक ट्रुक करते थे, वो सब करते थे, नहीं कर रहे हैं। ये पहले तो उसको खा फिर करते कॉन्वर्सेशन। हां बैठ कॉन्वर्सेशन का वर्कआउट है। देख रहे हो सच बता अच्छा नहीं है, मतलब बहुत अजीब सा है। ये क्या खा रहा है वो? ऐसे ऐसे कौन खाता है आम? ये देखो आम किसने काटा और खा कौन रहा है? आम खाना है वो भी खाना ही था तभी तो काटा था ना। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमको ज्यादा ही हसल कल्चर में घुस गए हैं। हसल किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है पता ही, इतना काम वाम करना होता है पता नहीं, फिर वो ना वो होता है डर लगता है कि मैं ही ना रह जाऊँ पीछे। उस चक्कर में और कर लेता हूँ, मेरे को तो मन चले मैं 1.5-2 महीने छुट्टी मारा हूँ। थोड़ा रेस्ट करना चाहिए था, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही उसमें घुस गया। नहीं ऐसा नहीं है, ये वी हैव टू मेक इट इन लाइफ। थोड़ा रिलैक्स करेंगे लाइफ में, ये रैट रेस से थोड़ा दूर। आजकल मैंने देखा मेरे को उल्टे कमेंट्स आने शुरू हो गए, डोंट स्टॉप हर इन बिटवीन, you always stop her and she doesn't say anything, she tries to avoid your rudeness. भाई मैं ऐसा कोई रूड नहीं हूँ, मैं ऐसी बात करते हैं। आप तुमने नहीं देखा श्रेया मेरे से कैसे बात करती है? गोपी सामने देखा मैम। अरे क्या? Hey guys, good morning. मुझे एक बात बोलनी थी। जो लोग जल्दी उठ जाते हैं वो अचानक से एक मॉरल हाई ग्राउंड क्यों लेने लग जाते हैं? श्रेया उठ जाओ यार, इतनी लेट हो रही है, एक्सरसाइज करने जाना है। आपका टाइम है 7 बजे का, मेरा 4:30। पिछले 4 दिन से मैं रोज जाती हूँ, तुम सोते रहते हो घोड़े भेज के, तब कुछ नहीं। आज तुम उड़ गए तो पूरी लाइट वाइट चला दी। श्रेया उठ जाओ यार, इतनी लेट हो गई यार। श्रेया मत करो ऐसे, चल लो यार, मैं अकेले करूंगा धूप में, क्या चल लो ना। ये व्लॉग कब आएगा? गौरव को बोल रही थी कि गौरव के जो सोशल स्किल्स है उसके साथ मैच करना मुझे बड़ा मुश्किल होता है। श्रेया इट्स नॉट अबाउट मैचिंग। श्रेया मैं 2 हफ्ते से अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आपको कहीं बोलता नहीं। आप जब लंदन जाना होता तो आपके सोशल स्किल पूरे मैच हो जाते हैं। नाटक मत करो, तेरे सोशल स्किल ज्यादा ही है, ठीक है? खुद का मन होता है बराबर सोशल स्किल्स मैच कर दे। बातों बातों में बता, मैं टूर भी प्रमोट कर रहा हूँ, सो इट्स ऑस्ट्रेलिया इन मे। ऑस्ट्रेलिया अच्छा जा रहा है तो उसका इतना टेंशन, लंदन वगैरह भी अच्छा जा रहा है, इट्स इन जुलाई बिकॉज 3-4 महीने, देन मे बी यूरोप, वी आर प्लानिंग इन सेप्टेम्बर, यूरोप की 6-7 सिटीज, तो मे बी यूएस इन सम टाइम। तुमने किसी को बोल दिया चलो ठीक है हम आएंगे? मन नहीं है तुम्हारा? मेरा तो पूरा मन है, मैं बात करके अच्छा हो गई, पता इतना मजा आता है ना, बाहर ही चलते हैं, घर का नहीं रखेंगे, घर में बसड़ रहते हैं, घर का भैया मेरा काम है गोपिया आज तो। हाँ। भाई इंट्रोवर्ट लोगों के साथ बड़ी मुश्किल है, और मतलब जैसे मैं पूरी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, आई एम सेमी, इट्स लाइक कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। क्या यू आर सेमी? सेमी सेमी यू आर सेमिया। कभी अच्छा लगता है जाने में, इट्स लाइक मेरे जिससे वाइब मैच होती है जिनसे, उनके साथ घूमने में मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है। गौरव गौरव सबके साथ हैंग आउट करता है, मैच होने में 15 मिनट लगते हैं। ऐसा मत करो ठीक है, आपका आप हो ही सुस्ता, आप वाइब कैसे मैच होगी? जब कोई आएगा चिल करने घर पे आप फोन पे लग जाओगे हमेशा, तो वाइब कहाँ से मैच होगी? बात करनी पड़ती है, थोड़ी बातें करनी पड़ती है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल अंडरमाइन स्मॉल टॉक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्मॉल टॉक्स, तभी तो स्मॉल टॉक से होते 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 चल झटके से अच्छा माहौल बन जाता है। मेरा बस मन नहीं करता है, तो वो हो जाता है कि हाँ जबरदस्ती हंसो जबरदस्ती बात करो, जो कि मुझसे नहीं होता है। आई थिंक ओनली इंट्रोवर्ट पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सबको लगता है क्या है, खाली बात ही तो करनी है, बात ही तो करनी है, बेबी मैं हूँ तो क्यों नहीं मानते, कैसी बात है यार। इंटरनेट पे चल रहे हैं इंट्रोवर्ट, तो आप इंट्रोवर्ट बन जाओ, आप एक बार जो फेस्टिवल में छोटा था बन जाते हो, आप 1.5 साल पहले लैक्टोज इंटॉलरेंट बन गए थे, अभी आप दबा करके दूध दही घी सब खाते हो, ठीक है? ठीक है, तो जितने भी अपने बकवास के जोक्स मार रहे हैं सब एडिट होगा, बात करने देना। इंट्रोवर्ट आप इतना अंदर कैमरा में घुस करके देख करके कॉन्फिडेंट से बात ना करते, ठीक है? वो भी इंट्रोवर्ट इज टॉकिंग टू पीपल, नॉट मोस्ट ऑफ द कॉमेडियंस, मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली, दिस इज लाइक मैं पहले मुझे लेट मी कंप्लीट।
सो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला जो है ना वो पेट में दर्द होता था बट वो और रीजन से होता सो दैट हैज बीन फिगर्ड आउट फाइन नाउ. तो अब मतलब नहीं है आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट. बट गौरव एकदम जोश में आ रहा है एकदम यंगस्टर बनने के. वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जैसे लड़की लोग करती है सामने से ऐसे खुला हुआ पीछे से सामने से ऐसे हाँ पीछे से ऐसे. सो कल फाइनली बहुत झगड़ा झंझट ये सब के बाद झगड़ा झंझट तो क्या कल एक्चुअली मेरा काम था मैं बहुत लेट से आई. गौरव शीशे में पीछे तो नहीं दिख रहा ना दिख रहा है क्या नहीं कुछ नहीं दिख रहा दिख रहा है. मैं 7 बजे आई उसके बाद गौरव जी बोलते हैं कि चलो शेयर पार्टी करने. मैंने बोला मुक्का मारूंगी तुझे पकड़ के पार्टी करने. फिर बोला आप तो मेरे साथ कभी नहीं जाते हो ये नहीं करते हो किड़किड़ किड़किड़ करके फिर मैं गई एंड आई थिंक आई हैड वन ऑफ द बेस्ट पार्टी ऑफ माय लाइफ. काफी जाते थे और पार्टी बाय पार्टी वी मीन की प्रॉपर ढिंचाक ढिंचाक वाली पार्टी. सोशल गए थे हम मस्त गाना भी डीजे मस्त बजा रहा था सैटरडे नाइट थी इतने सारे लोग थे बहुत मजा आया बहुत ज्यादा ही. तो ऐसे गौरव मजे तो करा ही देता है क्योंकि मुझे लगता है चलो ठीक है यार थोड़ा सा वो भी है एक्सट्रोवर्ट भी है तो कम से कम इससे मेरा तो कभी कभी फायदा हो ही जाता है. आप भी एक्सट्रोवर्ट ही हो अब एक्टिंग करते हो. गोबी मैन इधर आ बैठ इधर इधर नहीं आ रहा मेरे को नाने जाना. गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग. जादू दिखाओ जादू चाहो ना इस व्लॉग पे अभी के अभी 1 मिलियन व्यूज करा सकता हूँ. इस व्लॉग पे 2 मिलियन व्यू भी हो जाएंगे पता है पर नहीं कराऊंगा. आई गिव अप 1 मिलियन व्यूज ओके आई डोंट वॉन्ट 1 मिलियन व्यूज. उर्फी बन जाऊंगी मैं. उर्फा उर्फा बन जा उर्फा 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 जावड़ा. आज काफी टाइम बाद मैंने शॉर्ट्स पहना है. मैं मुंबई में बहुत ज्यादा पहनती थी दिल्ली में आके मेरी आदतें छूट गई तो आज मैंने पहना है. तो गौरव जैसे ही मुझे देखा बोलते है श्रेया नंगों की तरह घूम रहे. बोला कैसे नंगों की तरह घूम रहे क्योंकि मैं हमेशा आजकल लूज क्लोथिंग और बिल्कुल हाँ कंफर्टेबल लगता है यार काफी जैसे पता ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना क्या लेना क्या नहीं. कपड़ों में टायर वायर सब छुप जाते हैं. हाँ वो तो है दैट. इनफैक्ट मैं बताऊँ ढीले कपड़ों में पतले लोगों को लगता है कि उन पे अच्छा नहीं लगेगा बट लूज क्लोथिंग लुक्स गुड बोथ ऑन थिन पीपल हेल्दी पीपल. हाँ सुन तो मेरी एक फ्रेंड थी गरिमा तिवारी वो ना निफ्ट में फ्रेंड थी हमारी तो ऐसे बैठ के किस्सा बता रही थी. यहाँ पे मिरांडा हाउस में पढ़ती थी. मिरांडा गोपिया मिरांडा हाउस में पढ़ती थी और वो वहां से थी एमपी में धार से थी. वो छुट्टी हुई होगी तो गई धार तो उसे लगा भाई अब तो मैं मिरांडा दिल्ली एंड ऑल. तो यहाँ पे सरोजनी से एक शॉर्ट्स बहुत ऐसे सेक्सी सा बोला मैंने शॉर्ट्स लिया और ऐसी छोटी सी टॉप लेके बोला था. बोला मैं ऐसे जा रही हूँ एकदम हीरोइन वीरोइन बन के मेरी फ्रेंड मेरे फ्रेंड्स लोग थे वहाँ धार के कजन्स और ये लोग सब कोई जा रहे साथ में और कोई तो एक दूर पे बाइक पे जैसे बैठा हुआ तो वो बोलता है ए नंगी. मैंने कहा शिट यार मतलब नंगी कौन बोलता है. याद आया गौरव ने भी आज मुझे देखी शेर नंगे लग रहे हो. और बॉम्बे में थी तो आई डोंट नो दिस इज द कल्चरल डिफरेंस और समथिंग. बॉम्बे में फटाक से शॉर्ट्स पहना टी शर्ट पहना निकल लिया ऑटो में बैठा 3 बजे भी आ रहे हो कोई वो नहीं है. दिल्ली में एक वो लगता है थोड़ा सा लगता है एक पता झिझक होती है शॉर्ट्स पहनने में. पता मुझे तो नहीं मैं तो शो भी शॉर्ट्स में करता. हाँ पता हम जैसे मुंबई थे भी तो 22 साल के ना वो भी साल की लड़का यहाँ पे तो शॉर्ट कम पहनते मैंने देखा है. मतलब सुंदरी बन के आती है लड़कियां तो कम पहनती है. हाँ बॉम्बे में इट्स लाइक और इट्स वेरी नॉर्मल. हम जाते ना हम बहुत पार्टी वाली जगह पे आते होंगे लोग हम नहीं जाते ना पार्टी वाली जगह. और जैसे मैं तो जैसे बॉम्बे में जब थी तो वैसे मैं दिल्ली बहुत ही कम आई हुई थी ना दिल्ली को यार दिल्ली में इतने वो होते हैं ये होते हैं बहुत टीजिंग होती है. तो मुझे जब मैं आई तो मेरा डर ही था. अब मैंने सोच ही लिया तो यहाँ पे जैसे शिफ्ट हुई कि भैया सब आग वाग लगा दो शॉर्ट छोटे कपड़ों को तो पता नहीं शायद मेरे दिमाग में ही हो गया होगा तब से. बट नाउ आई एम कम्फर्टेबल इन इन माय कुर्ताज एंड ये तो बेटर लग रहा था. ये भी अच्छा है थोड़ा टाइट होता तो सही लगता. सिलाई कर लूं बैठ के अभी सिलाई करोगे क्या. बट कैसा आई थिंक वही पहनू. ये भी बोल जल्दी बोल ना कुछ भी पहन सकते. आई डोंट नो प्लीज गाइस सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग. आई होप यू लाइक द व्लॉग. इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू से थैंक यू टू श्रेया बिकॉज श्रेया इज द वन हु इज मोटिवेटिंग मी टू मेक द व्लॉग्स नाउअडेज. श्रेया इज द वन हु इज एडिटिंग द व्लॉग्स नाउअडेज. लास्ट मोटिवेटिंग यू टू मेक द व्लॉग बट यू आर नॉट मेकिंग सो आई एम ओनली मोटिवेटिंग माय सेल्फ. ओके तो श्रेया इज आल्सो मोटिवेटिंग हरसेल्फ बट वी विल मेक नाउ द टारगेट इज 5,98,000 फॉलोअर्स. जो कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली होती है ना वो अपने सब एम्प्लॉइज को यही सब टारगेट दे दे कि सपने 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 दिखाती है.
ठीक है दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ व्लॉग. वी विल मेक मोर व्लॉग्स वेरी सून बिकॉज़ द ट्रैवल इज गोइंग टू स्टार्ट. घर का क्या बनाया यार, सेम रहता है तो या या नहीं रहता, हर दिन एक नया चीज होता है. सच बात है, हर दिन एक नया चीज होता है. वाह क्या जिंदगी की बात करी है.